एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 5 फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही इजीली आप बना लोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो बना सके एकदम सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। मेरा एक और चैनल है ड्रेस डिजाइनर प्रीति तिवारी, जिसमें मैं अमेजिंग ड्रेस की डिजाइनिंग करती रहती हूँ। तो आप जाके जरूर देखिएगा और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो फर्स्ट फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल, जो कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था, वो बता देती हूँ। सिंपली आपको साड़ी वालों को अपने इस तरीके से लेना है। यू पिंस की जरूरत पड़ेगी आपको इन सारे हेयर स्टाइल में। इसको ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा ऊंचा करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं हम लोग। इस तरीके से ऊंचा पोनी ले जाना है और इस तरीके से इसको बस सिंपली ट्विस्ट करना है। सारे बालों पर से फैला देना है और जो एक्स्ट्रा हेयर है वो सारे इसके अंदर अच्छे से सारे हेयर को हाइड कर देना है और यू पिन से इसको टाइट कर देना है। यू पिन अगर टाइट भी टाइट करना है तो आप बॉबी पिन भी ले सकते हैं। थोड़े से हेयर इधर से ले लेना, थोड़े से स्कैल्प से जो कहते हैं वो हेयर ले लेंगे और अच्छे से अंदर की तरफ चेंज कर देंगे। ओके, 3-4 इंच लगा दीजिए ताकि आपका जो बन है वो फ्रेंच बन अच्छे से टिका रहे। और यहाँ पे आपको फ्लावर या फिर जूड़ा पिन बहुत ही इजीली आप इस तरीके से अपना फ्रेंच बन रेडी कर लोगे और सारे हेयर को इसके अंदर हाइड कर दीजिए और इस पिन से इसको सेट कर दीजिए। तो ये हमारा सेकेंड फ्रेंच बन हेयर स्टाइल हो जाएगा। ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत इजीली आप 1 मिनट में ही फ्रेंच बन भी बना लोगे। कितने भी लॉन्ग हेयर है, शॉर्ट हेयर है, मीडियम लेंथ है, सारे हेयर पे आप इजीली बना लोगे। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड फ्रेंच बन हेयर स्टाइल में आपको सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करना है। बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है और इस तरीके से आप इसको टाइटली एकदम ट्विस्ट करके यहाँ पे एक यूपी या फिर बॉबी क्लिप लगा दीजिए ताकि ये टिका रहे यहीं पे। चलते हैं फोर्थ फ्रेंच बन हेयर स्टाइल की तरफ। जो हेयर देख रहे हैं यूपी से सेट कर लीजिएगा। अभी चलते हैं फोर्थ फ्रेंच बन हेयर स्टाइल की तरफ। चौथे फ्रेंच बन हेयर स्टाइल में आपको बनानी है पहले पोनी। ना ज्यादा लो बनानी है, ना ही ज्यादा हाई बनानी है। पोनी बना के पोनी को ट्विस्ट कर देना है ऊपर की तरफ से, हल्का हल्का हेयर को खींचते जाना है। अच्छे से
से रबर बैंड को हाइड कर देना है। यूपिन से या फिर बॉबी पिन से इसको टाइट कर देना है ताकि आपका रबर बैंड दिखे ना। बाकी बचे इसको रिलीज कर देना है और इस तरह भी आपको सारी ड्रेस को अच्छे से चलते पांचवी फ्रेंच बन गया स्टाइल की तरफ। पांचवी फ्रेंच बन में भी आपको थोड़ी सी पोनी बनानी है। इसको ऊपर की तरफ लेके और नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा पोनी को हाई कर लीजिए और कुछ नीचे की तरफ पुश करना है। ट्विस्ट करके अच्छे से इसको यहाँ पे यूपिन से साइड कर देना है, रबर बैंड को हाइड कर देना है। उसके बाद से बाकी बचे बालों को छोटी बना देंगे सिंपल। यहाँ पे आपको इसको सेट कर देना है और इसे इसे टक कर लेना है ताकि ये निकले ना। आप बॉबी क्लिप भी लगा सकते हो अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो। तो है ना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से आप 5 इजी फ्रेंच बन हेयर स्टाइल बना सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कौन सा आपको फ्रेंच बन बनाने का कौन सा सबसे इजी और अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरीके की वीडियो हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हेयर स्टाइल से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी सपोर्ट करते हुए। बाय बाय।